कह रही है इतना बड़ा तो देखो 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 भोलेनाथ की पूरी अरे फोटो करा। अरे मैं तो एक पैर मेरे ऊपर ही है भैया। कि उनको कोई उपाधि भी मिली है स्नैकमैन की? नहीं, अब उपाधि तो खैर अभी ऑफिशियल रूप से नहीं मिली है, लेकिन अगर उसको उनको स्नैक मैन ऑफ रामपुर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अब तक करीब 300-400 जहरीले सांपों का सफल रेस्क्यू किया है, और सबसे अच्छी बात यह है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जैसे ही हमारे पास फ़ोन आता है 10 मिनट के अंदर ये उस मौके स्थल पर होते हैं और सकुशल सांप को पकड़कर उसको प्राकृतिक वास में भी छोड़ देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कर्मचारी हमारे पास हैं जो सजग रहते हैं जनता के प्रति, उनके दिमाग में हमेशा अच्छा काम करने की एक जिज्ञासा बनी रहती है, और इसी का ये नतीजा है कि 300-400 सांप पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। इसमें अपनी भी जान की हमेशा खतरा बना रहता है। तो अच्छी बात है कि लोग और भी लोग, मैं से अपील करूंगा कि लोग भी आगे बढ़ के आएँ, इस प्रकार के रेस्क्यू में मदद करें, और ताकि किसी प्रकार की जनहानि से होने से बचाया जाए। अभी कचहरी में भी पकड़ा है, और कौन कौन सी प्रजाति के लगभग पकड़े होंगे जो? हाँ देखिए, मुख्यतः यहाँ पर जो मैंने रामपुर, मेरा ऑब्जर्वेशन है 2.5 साल का, तो यहाँ पे कोबराज, स्पेक्टिकल कोबराज, वाइपर्स काफ़ी मात्रा में है जो बहुत जहरीले सांप होते हैं। इसके काटने से करीब आधे से एक घंटे में आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इनको छूना पकड़ना ये खतरे से कम खतरा भरा काम है, लेकिन ये प्रशिक्षित हैं, सालों से ये काम कर रहे हैं, तो सांपों को कैसे पकड़ना है जानते हैं। हम लोगों ने इसके लिए जो स्नैक कैचर्स होता है वो भी बाहर से मंगवाए हैं, ताकि स्नैक कैचर से बिना हाथ लगाए सांप को पकड़ा जा सके। तो हम और हमारी टीम लगातार काम कर रही है, और यही हमारा दायित्व है कि किसी भी प्रकार का अगर कहीं कोई सूचना मिलती है किसी जहरीले सांप की या वन्य जीव की, तो तत्काल मौके पहुँच कर उसका रेस्क्यू किया जाए और लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सके।